हाय, आज हम प्रयागराज में होटल में और अभी खाना खाने जाऊंगा। उसके बाद प्रयागराज को एक्सप्लोर करूंगा, देखूंगा कि प्रयागराज में क्या-क्या देखने के लिए है। तो मैं कल शाम को आ गया था प्रयागराज, बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस से शाम को 5:30 बजे पहुंचा और फिर होटल पहुंचा। होटल पहुंच करके और फिर शाम को खाना वाना खा करके सोया। तो अभी मॉर्निंग में उठ करके और अभी नहा लिया, धो लिया, अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट करके आऊँगा और उसके बाद प्रयागराज को एक्सप्लोर करूँगा। तो ये एक छोटा सा रूम है, रूम अच्छा है, एसी रूम है। और अगर आप प्रयागराज में आके रुकते हैं तो आपको 1500 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा रूम, जिसमें आपको एसी मिल जाएगा, गर्म पानी भी मिल जाएगा नहाने के लिए। और मैं रूम का टूर करा देता हूँ एक बार आपको। ये तो बेड हो गया, डबल बेड है और थोड़ा डेकोरेशन भी कर रखा है इन्होंने। ये एसी हो गया, टीवी हो गया, ये लेट बाथ हो गया, इधर अटैच ये शावर हो गया, ये लेट बाथ हो गया। तो ये एक छोटा सा रूम का टूर था और अब मैं आपको दिखाता हूँ। आपने एक वो दोहा सुना है कि गंगा जी के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चरण घसे तिलक करे रघुवीर। आज मैं गंगा जी के घाट पे हूँ, यहाँ पे संगम पे हूँ। एक तरफ से आकर के यमुना जी मिलती हैं, दूसरी तरफ से आकर के गंगा जी मिलती हैं। और सरस्वती नदी जो विलुप्त हो चुकी है, उसका भी यहीं पे आकर के इन दोनों नदियों के साथ मिलन होता था, इसलिए इसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है। त्रिवेणी का मतलब तीन नदियों का संगम। तो आइए मैं आपको आज विस्तार से प्रयागराज की इस धरती पर, जहाँ पे तीन नदियाँ आकर के मिलती हैं, यहाँ का विस्तार से आपको अवलोकन करवाता हूँ, विस्तार से आपको यहाँ के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं। अभी मैं संगम के ऊपर हूँ, नाव के अंदर सवारी कर रहा हूँ और चलिए मैं आपको एक एक करके घाट वगैरह बताता हूँ कि कहाँ पे कौन सा घाट है। ये प्रयागराज में गंगा घाट है यहाँ पर, और इसके दूसरी साइड में वहाँ पे जिसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है, जहाँ पे यमुना नदी आके मिलती है, वो त्रिवेणी संगम है। और ये पूरा का पूरा गंगा का पानी है जो कानपुर की तरफ से गंगा बह करके आती है और यहाँ पर आकर के संगम में यमुना के साथ मिलती है, जहाँ पे सरस्वती नदी भी मिलती थी और अब तो वो लुप्त प्राय हो चुकी है। तो यहाँ पे कुंभ का विशाल मेला लगता है और उस समय पानी अपने बिल्कुल उतार पे होता है, तो यहाँ पे पूरे आपको टेंट ही टेंट देखने को मिलते हैं। और प्रयागराज का प्रसिद्ध कुंभ यहाँ पे इस विशाल मैदान पे लगाया जाता है। यहाँ पर जो नावें चल रही हैं, यहाँ पे पानी गहरा है और यहाँ पे ये पानी जा कर के यमुना से मिलता है, तो इसको गंगा घाट बोला जाता है। और यहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं। स्नान का एरिया जो आप अंदर बीच में बाउंड्री सी देख रहे हैं, वहाँ तक ही है, क्योंकि आगे फिर पानी बहुत गहरा हो जाता है, तो लोग बाग यहाँ पर स्नान करते हैं। तो जो स्नान का एरिया है वो है ये वाला। इस एरिया में श्रद्धालु
डुबकी लगाते हैं गंगा में, इस गंगा घाट पे जो बाउंड्री से देख रहे हैं येलो येलो, यहाँ तक आप जा सकते हैं, उसके आगे आपको जाने की अनुमति नहीं है। और अगर कोई चला भी जाता है इससे आगे, तो वहाँ पे आगे तक नावें तैर रही हैं और वहाँ आगे जो त्रिवेणी संगम है वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बचाने वाले नाविक होते हैं और जो वॉलेंटियर्स होते हैं वो पूरे इस मैदान में छाए रहते हैं। वहाँ आगे वो त्रिवेणी संगम है और वहाँ पे यमुना आके मिलती है। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से यहाँ पे विशाल कुंभ का आयोजन किया जाता है, क्योंकि उस समय यहाँ पे पानी बिल्कुल उतार पे होता है और यहाँ पूरे एरिया में टेंट लगा दिए जाते हैं। अभी नदी अपने सामान्य बहाव पर है, क्योंकि ये बारिश का सीज़न है, तो यहाँ लोग बाग इस एरिया में ही अपना दान पुण्य तर्पण अर्पण जो करना चाहते हैं वो इसी एरिया में करते हैं, इससे आगे उन्हें जाने की अनुमति नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं लोग बाग किस तरह से यहाँ पे स्नान कर रहे हैं गंगा घाट पे और पुण्य लाभ कमाने की चेष्टा में लगे हैं। पंडित जी इनको पूजा अर्चना करवाते हैं और ये गंगा घाट हो गया। अब हम आगे भी चलेंगे जहाँ पे त्रिवेणी संगम है, तो ये इधर से सबसे पहले आप गंगा घाट पे पहुँचते हैं जब संगम पे आते हैं, और यहाँ के बाद आगे यहाँ तक स्नान करके और फिर आगे आप वहाँ त्रिवेणी संगम में जाते हैं। तो ये कानपुर की तरफ से जो गंगा बहकर जाती है वो एरिया है यहाँ पे, आगे चलते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं प्रयागराज शहर की तरफ से आ रही है ये सड़क, और हर समय यहाँ पे मेले का सा उत्सव रहता है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा, रोज यहाँ शाम को मंदिर में आरती भी होती है। देखिए अभी गंगा जी का पानी है यहाँ पर, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है और बाढ़ की स्थिति होती है तो पानी यहाँ तक आ जाता है। ये आप देख रहे हैं पेव्ड रोड है और इस पेव्ड रोड तक गंगा जी का पानी आ जाता है। आगे ये रास्ता जो है वहाँ त्रिवेणी संगम है। तो ये अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं अस्थि घाट। अस्थि घाट से तात्पर्य ये है कि जिनके माता पिता गुजर जाते हैं और वो क्रियाक्रम के बाद उनकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए यहाँ पे आते हैं प्रयागराज में, इसी जगह उनको उनकी अस्थियों को विसर्जित किया जाता है। मैंने आपको जो पहले घाट दिखाया था वो राम घाट वहाँ पे दिखाया था शुरू में वहाँ पे, और वहाँ से अब आगे बीच में ये अस्थि घाट है, यहाँ पे अस्थियाँ वगैरह विसर्जित करके स्नान करके और एक तरह से उनको पिंडदान किया जाता है। तो आप देख सकते हैं फिर आगे वो त्रिवेणी संगम वहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ भी पानी थोड़ा छिछला होने की वजह से लोग बाग अंदर तक जा करके स्नान वगैरह कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा साफ सफाई नहीं है, यहाँ पे गंगा में डुबकी लगाते हैं और अस्थियाँ विसर्जित करते हैं। पंडित लोग हैं जो पूजा करवाने के बाद यहाँ तक लेके आते हैं और फिर लोग बाग यहाँ गंगा में डुबकी लगाते हैं। कि मैं बिल्कुल एकदम से तट पे खड़ा हूँ और अस्थि विसर्जन के लिए लोग बाग उधर से आते हैं यहाँ तक, और मैं बिल्कुल एकदम जहाँ पे गंगा जी का तट है वहाँ पे खड़ा हूँ। ये यहाँ से आप देख सकते हैं तट स्टार्ट हो जाता है, नीचे मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है और आप चलेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पांव धंस रहे हैं। लगा हुआ
इधर से ये रास्ता आ रहा है राम घाट से और अस्थि घाट से, तो ये हो गया यहाँ पे त्रिवेणी संगम। यहाँ से आगे ये पार्किंग एरिया है, लेकिन इससे भी आगे अगर आप जाएंगे तो यमुना जी का घाट आपको वहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि दोनों साइड में आप देख रहे हैं बहुत ही बड़े बड़े पीपल के वृक्ष हैं, और यहाँ का जो माहौल है, जो वातावरण है, बहुत ही सुरम्य और बहुत ही अलौकिक आपको फील होता है। तो आगे चल के हम अभी संगम त्रिवेणी घाट देखने वाले हैं। आगे की तरफ त्रिवेणी संगम की तरफ जाता है। यानी कि यहाँ से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप आगे की तरफ देख रहे हैं, बहुत लंबा घाट है ये। हाँ, लेकिन जो आगे आप ऑटो जाते हुए देख रहे हैं, यहाँ से ये शुरू हो चुका है। ये हमने वहाँ से शुरुआत की थी और अभी हम संगम के तट पे हैं। वहाँ पे गंगा घाट, राम घाट, हस्ती घाट और ये गंगा जो कानपुर की साइड से बह करके आती है, यहाँ आकर के और त्रिवेणी में इस इधर से यमुना जी आकर के, यानी कि यमुना नदी आकर के मिलती है, और इसको संगम त्रिवेणी के नाम से बोला जाता है। सरस्वती नदी भी यहाँ आकर के मिलती है, जो अभी लुप्त प्राय है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे संगम त्रिवेणी बोला जाता है। तो प्रयागराज की सबसे खूबसूरत जगह को आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। हम आगे तक चलते हैं और आपको बिल्कुल जहाँ पे संगम होता है वहाँ पे जाकर भी दिखाते हैं। अभी यहाँ से देखने पे यमुना का बहाव कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है और गंगा जी का बहाव कुछ कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि गंगा जी यहाँ से एक धारा आके यहाँ मिलती है यमुना जी में, और एक धारा सीधे निकल के आगे फिर जाकर के एक जगह मिल जाती है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। जब गंगा जी में बाढ़ की स्थिति होती है, तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे इसके कैचमेंट एरिया में खड़ा हूँ। कहते हैं कि उस टेंपल तक भी गंगा जी के बाढ़ का पानी है, उस टेंपल को भी टच कर लेता है। तो यहाँ पे जो नीचे आप जितनी भी दुकानें देख रहे हैं, ये सारी की सारी दुकानें जब बाढ़ आती है तो ऊपर चली जाती है, और ये पूरा का पूरा आप गंगा जी का एरिया देख रहे हैं। और मेरे पीछे की साइड में जब आप इधर मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये सारी की सारी जो दुकानें हैं ये बाढ़ की स्थिति में ऊपर शिफ्ट हो जाती है। ये देखिए, तो यानी कि जब बाढ़ की स्थिति होती है तो ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, यहाँ तक पानी आ जाता है और ये किनारे किनारे होता हुआ गंगा जी यहाँ से वापस अंदर की तरफ हो जाती है। ये देखिए, अभी यमुना जी इधर से आती है ये, लेकिन जब यमुना में बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी यहाँ तक आ जाता है। ये देखिए, यहाँ तक बाढ़ का पानी आ जाता है, और अभी बहुत ही शांत तरीके से यमुना जी बह रही है, बिल्कुल शांति से बह रही है। लेकिन अभी पिछले 10 दिन पहले यहाँ तक पानी, बताते हैं कि यहाँ तक पानी था, बाढ़ का पानी था। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ जगह जगह पानी भरा हुआ है, छोटे छोटे खड्डों में। और इस साइड में यहाँ पे ये गंगा जी है, अभी मैं आपको यहाँ पे अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये त्रिवेणी संगम होने की वजह से लोग बाग अपने अपने स्टॉल लगा करके बैठे हैं। ये संगम का स्नान है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल संगम मानते हैं कि लोग बाग आगे जो ध्वज आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे असली संगम को माना जाता है, लेकिन लोग बाग यहाँ भी स्नान करते हैं और वहाँ भी स्नान करते हैं। तो ये संगम घाट हो गया और इधर फिर यमुना घाट हो गया। अब मैं नाव ले लेता हूं और नाव की सवारी करता हूं और आपको
दिखाता हूँ, अंदर से भी दिखाता हूँ, और अपन आगे तक चलते हैं जहाँ पे एक्चुअल दोनों नदियों का संगम होना बताया जाता है। यहाँ तक पानी भी मिल जाता है, संगम मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि आगे जाकर के आप संगम है, वो जो एक्चुअल संगम है वो इनकी मोनोपोली मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं कि इस बहाने से वो आपको नाव की सवारी करवा सकते हैं, ये मान लीजिए। तो वो आगे है, तो हमने एक नाव की राय भी ली और हम चलते हैं। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, 10,000 मिलियन फॉलोअर्स, हमारे भाई का फॉलो बढ़ा दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने सुना वो क्या कह रहा है, लाइक फॉलो शेयर के लिए कह रहा है कि मेरे हमारे भाई के सब्सक्राइबर्स को बढ़ा दीजिए। तो फाइनली ये है यहाँ के ये नाविक मजदूर इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं और आने वाले यात्रियों के चेहरों पे मुस्कान लाते हैं जब वो आपको नाव में सवारी करवाते हैं। तो आज की वीडियो में आपने देखा भारत के प्रसिद्ध तीर्थस्थल प्रयागराज की एक छोटी सी पेशकश। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, किसी और वीडियो के साथ किसी और दिन मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।